एशिया कप के ग्रुप बी में कल अफगानिस्तान और बांग्लादेश का मुकाबला हुआ। अबू धाबी में खेले गए इस मैच को अफगानिस्तान ने 136 रनों से जीत लिया। आइए देखते हैं इस मैच की पूरी रिपोर्ट। बर्थडे बॉय और मैन ऑफ द मैच राशिद खान के शानदार हरफनमौला खेल की अगुवाई में अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर 255 रन बनाए, जबकि बांग्लादेश की टीम लक्ष्य का पीछा करते हुए 42.1 ओवरों में सिर्फ 119 रन पर ही ढेर हो गई। अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। अफगानिस्तान को पहला झटका 10 के कुल स्कोर पर लगा, जब इहानुसुल्लाह 8 रन के निजी स्कोर पर आउट हो गए। वहीं अबू हैदर ने रहमत शाह को 28 के कुल स्कोर पर आउट कर अफगानिस्तान को दूसरा झटका दिया। रहमत शाह मात्र 10 रन बनाकर आउट हो गए। शाहिदी और शहजाद ने टीम को संभाला और स्कोर 79 तक पहुँचा दिया। शहजाद को शाकिब ने अपना शिकार बनाया। इस बीच अफगानिस्तान ने कप्तान असगर अफगान, समीमुल्लाह शेनवारी, शाहिदी और मोहम्मद नबी के विकेट खो दिए थे और अफगानिस्तान का स्कोर 160 रनों पर 7 विकेट था। यहां से राशिद और नायब ने मोर्चा संभाला और टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। राशिद 32 गेंदों में 8 चौकों की मदद से 57 रन बनाकर नाबाद रहे। वहीं नायब 38 गेंदों में 5 चौकों की सहायता से 42 रन बनाकर नाबाद रहे। इन दोनों के अलावा हसमतुल्लाह शाहिदी ने 58 रनों की पारी खेली। बल्ले के बाद राशिद ने गेंद से भी अपना जौहर दिखाया और 9 ओवरों में 3 मेडन निकालते हुए सिर्फ 13 रन खर्च कर 2 विकेट अपने नाम कर लिए, साथ ही एक शानदार रन आउट भी किया। लक्ष्य का पीछा करने उतरे बांग्लादेश के बल्लेबाज कभी भी बड़ी साझेदारी नहीं कर पाए। 43 के कुल स्कोर पर ही उसने 4 विकेट खो दिए थे। नजमुल हुसैन सांटो 7 रन, लिटल दास 6, मोमिनुल हक 9 और मोहम्मद मिथुन 2 के निजी स्कोर पर आउट हो चुके थे। यहां से शाकिब अल हसन और महमूदुल्लाह ने टीम को संभालने की कोशिश की। इन दोनों ने कुल 36 रन जोड़े ही थे कि राशिद ने 79 के कुल स्कोर पर शाकिब को पवेलियन भेज दिया और 90 के कुल स्कोर पर महमूदुल्लाह को बोल्ड कर बांग्लादेश की हार लगभग तय कर दी। शाकिब ने 32 और महमूदुल्लाह ने 27 रन बनाए। वहीं मेहदी हसन 4 रन बनाकर आउट हुए तो मशरफे मुर्तजा बिना खाता खोले ही आउट हो गए। डेब्यू कर रहे अबू हैदर को राशिद ने सीधे थ्रो से 1 रन पर रन आउट किया। मुजीबुर रहमान ने रुबेल हुसैन को आउट कर बांग्लादेश की पारी का अंत कर अपनी टीम को लगातार दूसरी जीत दिलाई। बांग्लादेश के लिए शाकिब ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए, अबू हैदर को 2 और रुबेल हुसैन को 1 सफलता मिली। स्पोर्ट्स डेस्क, डीबी लाइव। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहां हैं खबरें लगातार।